subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो ऑन फ्राइडे कॉपर क्लोज एट 627, 4 रुपए के गेन के साथ हमने क्लोजिंग दे दिया. और हम शुरू करते हैं एनालिसिस विथ हम मंथली चार्ट. तो इस मंथली चार्ट पे आपको जो है तो कॉपर दिखेगा लगभग 10% डाउन फॉर द मंथ, लगभग 68 रुपीज़ लॉस के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं. लास्ट मंथ भी हमने लगभग 10.5% का लॉस देखा था और 81 रुपीज़ डाउन बंद हुआ था. तो यहाँ लॉन्ग टर्म करेक्शन जो ड्यू था वो हो रहा है और यहाँ हम बढ़ रहे हैं जो 50 मंथ का जो एवरेज है उसके तरफ. यहाँ ऑन मंथली चार्ट आपको सपोर्ट दिखेगा अराउंड 590 to 575. उसके तरफ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको कॉपर जाता हुआ दिखेगा. उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, फाइनल सपोर्ट, वो रहेगा 490 के अराउंड. तो वो लेवल भी कॉपर टेस्ट कर सकता है. ऊपर की तरफ 670 जो 20 मंथ का एवरेज है वो एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस. तो उसके अराउंड अगर आता है कॉपर तो आपको सेल करना चाहिए विथ मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू. आपके जो टारगेट रहेंगे वो 575, उसके बाद में 490 की भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ क्लियर कट करेक्टिव पैटर्न से सभी कमोडिटीज़ में आपको जो है तो मेल्ट डाउन आते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है. हमने गोल्ड सिल्वर में भी देखा, कॉपर में भी अच्छी खासी बुक वाली आपको ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिल रही है. और हमने जो लगभग 900 रुपये के करीब हाई लगाया था वहाँ से ऑलरेडी लगभग 33% डाउन हो चुके हैं. और मुझे लगता है कि पॉसिबली हम 50% भी डाउन हो सकते हैं. वो टारगेट आता है 490 के अराउंड. तो वो भी लेवल आपको जो है तो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है. ईयर एंड तक 490 का भी लेवल कॉपर में आ सकता है. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो इस वीक कॉपर जो है तो फ्लैट पॉजिटिव बंद हुआ है लगभग 2% गेन के साथ 11 रुपये ऊपर. लगभग लास्ट 7-8 वीक के सेल ऑफ के बाद इस वीक थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखा है और नीचे के लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक आया है. क्योंकि यहाँ जो है तो नीचे की तरफ 200 वीक का एवरेज था, मगर यहाँ भी आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ वीक तैयार हो रहा है. तो इसका मतलब जो है तो सेलर यहाँ भी हावी है. हो सकता है कि बाउंस बैक आए, मगर अगर सिल्वर 599 के नीचे जाता है तो आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा जिसका टारगेट रहेगा 575, उसके बाद में 490 का. तो यहाँ आपको 600 का लेवल वो क्लोजली वॉच करना है. उसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो आपको शार्प सेल ऑफ कॉपर में आता हुआ दिखेगा जिसके टारगेट रहेंगे 575 और उसके बाद में 490 के भी लेवल आपको कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं. ऊपर की तरफ अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन है 680 के अराउंड और उसके बाद में 730 के अराउंड. तो अगर बाउंस बैक आता है तो इन लेवल को टच करने के लिए कॉपर आ सकता है. उसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो लग रही है मुझे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ जो है तो ब्रेकडाउन ही देखने को मिलेगा. तो ब्रेकडाउन पे आपको शॉर्ट जाना है, टारगेट रहेंगे 575 उसके बाद में 490 के इन मीडियम टर्म व्यू. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे हमने जो डाउन ट्रेंड शुरू किया था वो कंटिन्यू किया इस महीने भी और नीचे के सभी टारगेट पहले 680 अचीव किया, उसके बाद में 650 और 600 का भी लेवल हमने टेस्ट कर लिया. अभी यहाँ जो है तो कंसोलिडेशन चालू है कॉपर में. यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है कॉपर. ऊपर जो है तो 650 और 665 के लेवल है एज ए रेजिस्टेंस लेवल. उसके तरफ जो है तो बाउंस बैक आ सकता है. अगर बाउंस बैक नहीं आता है तो आपको 600 के नीचे जब ब्रेकडाउन आएगा तब आपको 575 और जैसे हमने देखा है वीकली चार्ट पे 490 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे. तो यहाँ डाउन साइड पे सपोर्ट है 600 का, वो टूटता है तो आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा. ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस लेवल है 655 पकड़ के चलिए और 665, तो उसके अराउंड आता है तो आपको शॉर्ट करने की सोचनी चाहिए कॉपर में. यहाँ जो है तो बाइंग कर सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस, क्योंकि यहाँ रिकवरी आने की ज़्यादा संभावना लग रही है मुझे. ऊपर की तरफ 665 के लेवल की तरफ, मगर वो डेली बेसिस पे करना होगा. पोजिशनल जो व्यू है वो थोड़ा सा डेंजरस रह सकता है ऑन लॉन्ग साइड. अभी तो कंसोलिडेशन जोन में
यहाँ जैसे हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ये लगभग लास्ट चार पांच कैंडल का, तो 636 ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और यहाँ नीचे जो है तो 610 का लेवल, तो 610 के लेवल के नीचे जाता है तो 600 575 के टारगेट आपको ओपन होते हुए देखेंगे, और 636 के ऊपर जो है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो 650 से लेकर 665 के लेवल की तरफ कॉपर को लेकर जा सकती है। अभी जो है तो कंसोलिडेशन जोन में है, ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू भी हो सकता है, तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको ट्रेड करने के मौके मिलेंगे ऑन इंट्राडे चार्ट्स। यहाँ मुझे लगता है कि क्लियर कट आपको ट्रेंड जो देखने को मिलेगा वो 600 के नीचे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कंटिन्यूशन रहेगा डाउन ट्रेंड का, और यहाँ जो है तो 636 के ऊपर जो है तो एक बाउंस बैक मूव, शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगी, जो 650 से लेकर 665 के लेवल की तरफ कॉपर को लेकर जा सकती है। आई विल मोस्टली प्रीफर लॉन्ग साइड, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, और मुझे शॉर्ट जाना है तो मैं 600 के नीचे ही शॉर्ट क्रिएट करूँगा, और जो भी लॉन्ग लेंगे हम वो इंट्राडे बेसिस पे लेंगे। आई विल नॉट कैरी एनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन ऑन पोजिशनल बेसिस। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल चाहिए इन लाइव मार्केट विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।